हाय फ्रेंड्स, मैं नीरू गुप्ता। स्वागत है आप सभी का कुकिंग चैनल कुक विद नीरू गुप्ता में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड हर्बल गुलाल। होममेड हर्बल गुलाल यानी कि होली पे खेले जाने वाला रंग। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बाजू में बने बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैंने होली के गुलाल बनाने के लिए एक बंच पालक ली है, साथ ही साथ एक चुकंदर को बारीक कतर लिया है यानी कि गोल पीस काट लिए, एक चम्मच बड़ा हल्दी ली है और 7-8 धागे केसर के लिए। पालक को धोकर उसके पत्तों को साफ करने के बाद मैंने पालक को मिक्सी में पीस लिया है। फ्रेंड्स, पीसते हुए ध्यान रखें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम पिसी हुई पालक में डालेंगे 3 चम्मच अरारोट। फ्रेंड्स, अरारोट डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ग्रीन कलर आना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, कलर के मिल जाने पर देखिए इस प्रकार का यह दिखेगा, एक रबड़ की प्रकार से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए कितना आसान है ना घर पर हर्बल कलर बनाना। हर्बल गुलाल में खुशबू के लिए हमने 2 बूंद इत्र डाला। इत्र डालकर चम्मच की सहायता से मिला लेंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। इसी प्रकार से चुकंदर का पेस्ट बनाकर 3 चम्मच अरारोट डाल देंगे। अच्छी प्रकार से मिला लेंगे ताकि चुकंदर का रस और अरारोट आपस में अच्छी प्रकार से मिल जाए। इसे खुशबूदार बनाने के लिए 2 बूंद इत्र डालेंगे। अब हम पीला रंग बनाने के लिए हल्दी और केसर के धागे बाउल में डालेंगे, पानी डालकर मिला लेंगे। फ्रेंड्स, पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें क्योंकि हमें पानी कम ही रखना है, वरना जो हमारा कलर है वो पतला हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार पानी डालकर मिलाते जाएं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी अब हम 3 चम्मच अरारोट डालकर मिला लेंगे। कितना अच्छा पीला रंग बनकर तैयार हुआ है। देखिए हमने हरा, गुलाबी और पीला रंग कितनी आसानी से बना लिया और कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ यह हर्बल कलर बने हैं। अब हम इन कलर्स को सूखने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके धूप में सुखाने की कोशिश ना करें, छाया में सुखाएं। फ्रेंड्स, देखिए आपको दिख रहा है कि इसमें क्रैक्स पड़ चुके हैं, इसका मतलब कि हमारा कलर अच्छी प्रकार से सूख गया है। छाया में सुखाने से कलर बहुत अच्छा बनता है। सूखे हुए कलर को चम्मच की सहायता से प्लेट से अलग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सूखकर कलर तैयार है। सूखे हुए पीले रंग को मिक्सर जार में डालकर महीन पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर कलर आया है। येलो कलर हमारा बनकर तैयार हो चुका है, एकदम मार्केट जैसा गुलाल बनकर तैयार हुआ है। जिस प्रकार से हमने पीला रंग बनाया है उसी प्रकार पालक से बना हुआ हरा रंग महीन पीस कर तैयार कर लेंगे। अब हम मिक्सर जार में चुकंदर से बना गुलाबी रंग पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुलाबी रंग कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए, तैयार है होममेड हर्बल गुलाल पिंक, येलो एंड ग्रीन कलर में। आप भी जरूर बनाइएगा। तो देखा ना कितना आसान है होममेड हर्बल गुलाल बनाना। इस बार होली हैप्पी एंड सेफ खेलिएगा होममेड कलर बनाकर। इस होली अपने लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए होममेड कलर जरूर बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी एंड सेफ होली इन एडवांस। इसी प्रकार रंग बिरंगे रंगों की तरह आपके जीवन में भी खुशियाँ भरी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।